दोस्तों मुंबई को बनाने थे 178 रन और इसके बाद इस बल्लेबाज ने कर दिया कमाल। जी दोस्तों, आईपीएल का 63वां मैच मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के बीच एकाना स्टेडियम में खेला गया, जहां इस बड़े मुकाबले को ये दोनों ही टीमें जीतना चाहती थी, क्योंकि ये मैच जीतकर इनका प्लेऑफ का रास्ता पूरी तरह खुल जाता। ऐसे में इस मैच में मुंबई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और दोस्तों उनका ये फैसला काफी अच्छा साबित हुआ, क्योंकि 12 रन के स्कोर पर ही जेसन ब्रैंडेडॉफ ने दीपक हुड्डा और प्रेरक मकंद को आउट कर दिया था, जहां हुड्डा 5 तो प्रेरक मकंद अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे और इस मैच में मुंबई की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में हो गई थी। लेकिन एक तरफ इस मैच में कृणाल पांड्या कमाल की लय में दिख रहे थे तो दूसरी तरफ क्विंटन डिकॉक भी शानदार बैटिंग कर रहे थे, लेकिन 35 रन के स्कोर पर पीयूष चावला ने डिकॉक को भी आउट कर दिया था और वो 16 रन बनाकर आउट हो गए थे। लेकिन दोस्तों इसके बाद बैटिंग करने स्टॉइनिस उतरे और दोस्तों स्टॉइनिस और कृणाल पांड्या ने इसके बाद मुंबई के गेंदबाजों को वापसी करने का मौका नहीं दिया, क्योंकि इसके बाद इन दोनों ही बल्लेबाजों ने इस मैच में कमाल की बल्लेबाजी करी, जहां इस मैच में स्टॉइनिस तो एक के बाद एक बड़े बड़े छक्के जड़ रहे थे और उन्होंने इस मैच में पूरे 8 छक्के जड़े थे। लेकिन जब दोस्तों दूसरी तरफ कप्तान कृणाल पांड्या अपने 50 से केवल 1 रन दूर थे, तभी उनके पैर में कोई तकलीफ हुई और इस वजह से वो बीच मैदान में ही रिटायर हार्ट होकर मैदान से बाहर चले गए थे और कृणाल पांड्या ने 42 गेंदों में 49 रनों की पारी खेली थी। तो इसके बाद स्टॉइनिस का साथ देने निकोलस पूरन उतरे थे, लेकिन दोस्तों इसी बीच मार्कस स्टॉइनिस ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 36 गेंदों में अपने 50 रन पूरे कर डाले थे और दोस्तों उनकी शानदार बल्लेबाजी की वजह से ही लखनऊ का स्कोर इस पिच पर काफी तेजी से आगे भाग रहा था। और इसके बाद स्टॉइनिस ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए आखिरी गेंद पर एक छक्का लगाकर लखनऊ का स्कोर पूरे 177 रन तक पहुंचा दिया था 3 विकेट के नुकसान पर, जहां इस मैच में स्टॉइनिस 47 गेंदों में 8 छक्के 4 चौकों की मदद से 79 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे, तो पूरन ने भी 8 रन बनाए थे। तो इस मैच में मुंबई की तरफ से जेसन ब्रैंडेडॉफ को 2 विकेट हाथ लगी थी। तो दोस्तों मुंबई को अब ये बड़ा मुकाबला जीतने के लिए 178 रन बनाने थे और जब इसके बाद मुंबई की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो उनकी शुरुआत इस मैच में काफी शानदार रही, क्योंकि ईशान किशन और कप्तान रोहित इस मैच में बेहतरीन लय में दिख रहे थे और इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने 90 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर ली थी। लेकिन 90 रन के स्कोर पर रवि बिश्नोई ने कप्तान रोहित को आउट कर दिया था और रोहित 37 रन बनाकर आउट हो गए थे। लेकिन एक तरफ ईशान किशन ने इसके बाद 34 गेंदों में अपने 50 रन पूरे कर लिए थे, लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ रवि बिश्नोई इस मैच में कमाल की गेंदबाजी कर रहे थे और 103 रन के स्कोर पर उन्होंने ईशान किशन को भी आउट कर दिया था और ईशान किशन 59 रन बनाकर आउट हुए थे। और इसके बाद सबकी नजरें सूर्य कुमार पर टिकी थी, लेकिन दोस्तों सूर्य कुमार यादव को यश ठाकुर ने क्लीन बोल्ड मार दिया था और सूर्या 7 रन बनाकर आउट हो गए थे। और इसके बाद लखनऊ के गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए मोहसिन खान ने निहाल वदेरा को आउट कर दिया और वो 16 रन बनाकर आउट हुए थे। तो इसके बाद यश ठाकुर ने विष्णु विनोद को आउट कर दिया था और इसके बाद आखिरी 2 ओवरों में मुंबई को ये मैच जीतने के लिए 30 रन बनाने थे। और इसके बाद टीम डेविड ने नवीन उल हक के 19वें ओवर में शानदार बैटिंग करते हुए 2 छक्के लगाकर 19 रन बना दिए थे, लेकिन जब आखिरी ओवर में मुंबई को 11 रन बनाने थे और आखिरी ओवर मोहसिन खान डालने आए और दोस्तों उन्होंने इस ओवर में टोटल 5 रन दिए थे और शानदार गेंदबाजी करते हुए लखनऊ को 5 रनों से जीत दिलवा दी थी। और दोस्तों मुंबई की टीम ये मुकाबला हार गई है, तो इस मैच में टीम डेविड 32 रन बनाकर नॉट आउट रहे।